टाटा अपनी माइक्रो एसयूवी टाटा पंच का भी इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करने वाली है, जिसे इस ईयर के एंड तक लॉन्च किया जाएगा। अपने लॉन्च के साथ ही टाटा पंच इलेक्ट्रिक ब्रांड की सबसे चीपेस्ट इलेक्ट्रिक कार बन जाएगी। टाटा पंच इलेक्ट्रिक जिप्ट्रॉन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन टेक का यूज करेगी, जो नेक्सॉन इलेक्ट्रिक और टिगोर इलेक्ट्रिक में भी मिल जाती है। इसमें 30.2 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी पैक मिलेगा, जो 129 bhp की पावर जनरेट करेगा। टाटा नेक्सॉन सिंगल चार्ज में 312 किलोमीटर्स की रेंज क्लेम करती है। एंड अपडेटेड इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का साथ टाटा पंच इलेक्ट्रिक 300 प्लस किलोमीटर प्लस रेंज क्लेम करेगी। टाटा मोटर्स ने अल्ट्रोज इलेक्ट्रिक का प्री प्रोडक्शन मॉडल 2020 ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था। कंपनी इसके प्रोडक्शन मॉडल की टेस्टिंग भी स्टार्ट कर चुकी है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अल्ट्रोज इलेक्ट्रिक इस ईयर के एंड तक लॉन्च हो सकती है। न्यू अल्ट्रोज इलेक्ट्रिक को अगर इसके रेगुलर मॉडल से कंपेयर किया जाए तो अल्ट्रोज इलेक्ट्रिक में रिवाइज्ड फ्रंट एंड रियर बम्पर, एक क्लोज्ड ऑफ ग्रिल, एयर डैम्स विद स्टार पैटर्न और न्यू अलॉय व्हील्स विद ब्लू हाइलाइट्स जैसे बदलाव मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें टाटा अल्ट्रोज के केबिन की, तो टाटा अल्ट्रोज इलेक्ट्रिक के केबिन में भी ब्लू हाइलाइट्स देखने को मिल जाती है। 2020 अल्ट्रोज इलेक्ट्रिक लाइटर अपहोल्स्टरी और एक रोटरी गियर सिलेक्टर के साथ लॉन्च होगी। हालांकि इसके इंजन डिटेल्स को भी रिवील नहीं किया गया, बट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें टाटा की अपडेटेड जिप्ट्रॉन इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी मिलेगी।